सभी को नमस्ते। आज हम फोटो फ्रेम बनाने जा रहे हैं। फोटो फ्रेम के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा वो इस प्रकार है। कार्डबोर्ड की जगह आप कोई पुराना गत्ता या किसी कॉपी की जिल्द वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देंगे कि दो पीस होंगे और दोनों इक्वल साइज़ के होंगे, एक ही साइज़ के। इसके साथ साथ हमें ये रंग बिरंगे पेपर या इसके अलावा हम कोई पुराना पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर या फिर कोई, वो आपकी पसंद से है। कलरफुल शीट वगैरह, प्लेन हो, जो आपको पसंद आए। कटर, पेंसिल, स्केल, सीजर, फेविकोल, पानी के साथ साथ ये है कपड़ा। अब ये कपड़ा जिल्द के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे तो आप इसका इस्तेमाल कर लें या कोई पुराना अखबार वगैरह का यूज़ कर लें, उसके फेविकोल लगा के उसका यूज़ कर सकते हैं हम। इसे सिर्फ पानी में डुबो के यूज़ किया जाता है, इसे फेविकोल नहीं लगता। सबसे पहले क्या करेंगे, पेंसिल के साथ हम निशान लगा लेंगे। ये जो भी कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड आपकी साइज़ का होगा, जो आपकी फ़ोटो का साइज़ हो। आप चाहें तो छोटी फ़ोटो के साइज़ का बना लें या फिर उसे बड़ी अपनी पेंटिंग के साइज़ का जैसे बनाना चाहें फ़ोटो फ्रेम, उसी हिसाब से बना लें। लेकिन उसके लिए जो हम लगाएंगे, आप चाहें तो इसे 2 इंच का चारों तरफ 2-2 इंच के निशान लगा लें। 2-2 इंच के निशान लगाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, कटर के साथ हम यहाँ से इसे कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखें कटिंग करते वक्त, कि नीचे कोई और चीज़ ना हो। अगर नीचे कुछ और हुआ तो वो भी कटेगा, कटर के साथ काटेंगे तो। फिर हम इसे निकाल लेंगे बीच में से, इसे बीच में से इस तरह से निकाल लिया जाएगा। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पेंसिल से यहाँ पे एकदम निशान लगा देंगे। निशान लगाते वक्त ध्यान रखें कि चारों तरफ से इक्वल हो ये दोनों पीस, जो भी पीस हैं आपके वो दोनों इक्वल हों। जैसे निशान से हटाएंगे, अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान देंगे कि इसके साथ साथ हम इसके 3 साइड में 1/2 इंच का निशान और लगा लेंगे। ये इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया। और एक साइड से हम इसे खुला छोड़ देंगे, तो एक साइड से इसलिए खुला छोड़ेंगे ताकि जब भी हम इसके अंदर फोटो वगैरह हो वो इस तरह से हम अंदर लगा सकें और इसे चेंज करना चाहे चेंज करना हो तो चेंज कर सकें। और ये निशान इसलिए हैं ताकि फ़ोटो पूरी नहीं आती, कई बार तो फोटो ये एक और पीस के नीचे आएगी तो थोड़ी सी इसके नीचे दब जाए ऐसे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ पीसीज और लेंगे कार्डबोर्ड के पीस लेके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जो ये हैं पतली स्ट्रिप्स लेंगे। ये ध्यान देंगे कि यहाँ से इस किनारे से लेके इस लाइन से इधर हों और ना पूरे किनारे पे हों, इस साइड से भी किनारे पे ना हों, या लाइन से इधर इधर हों, इधर तो चाहे जितना मर्जी आ जाए या पूरे आ जाए जैसे भी हों। और इसी तरह से हम तीनों तरफ में इस तरह से लगा लेंगे। ये हमने 3 तरफ में इस तरह से लगा दिया ऐसे। आप चाहें तो इसे डबल भी लगा सकते हैं, डबल लगाएं, सिंगल लगाएं, डबल लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर इसे पेस्ट कर लेंगे फेविकोल के साथ, इन्हें हम पेस्ट कर देते हैं। हमने ये फेविकोल से पेस्ट कर दिया है। फेविकोल से पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर जो ये पीस है, अब हम इस पीस को इसके एकदम एग्जैक्ट ऊपर रख देंगे। कई बार हमारी से गलती हो जाती है कि पूरा रेक्टेंगल में नहीं कट पाता तो उसमें इधर या उधर रख दिया जाता है, तो इसके लिए पहले ही निशान लगा लेंगे कि किस साइड लगाना है। जैसे एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि किस साइड में इसको रखना है, तो इसे पूरा एग्जैक्ट आएगा। तो एग्जैक्ट रखने के बाद इस तरह से अब हम इसमें फ़ोटो डाल के देखते हैं थोड़ा। तो फोटो जब हम इसमें डालेंगे इस तरह से, ये तो छोटी फ़ोटो है, लेकिन अगर आपको फ़ोटो पूरा एग्जैक्ट उसी हिसाब से काटेंगे, अब देखिए पूरा फोटो इसी हिसाब से बनाएंगे या कोई पेंटिंग बनाएंगे तो थोड़ी एक्स्ट्रा बनाएं ताकि वो थोड़ा सा इसके अंदर फिक्स हो जाए, ऐसे यहाँ पे आ जाए, एक्स्ट्रा थोड़ी एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाए, आधा इंच या 1/2 इंच से भी थोड़ा कम हो तो वो एक्स्ट्रा हो तो इसके नीचे दब जाए वो, ताकि वो अच्छी लगे देखने में। फ़ोटो फ्रेम की मजबूती के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे, जो ये कपड़ा है इसे हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसे हम ज़्यादातर किनारों पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऐसे ये फोटो फ्रेम को मजबूती देगा। चारों किनारों पे हम इसे लगा देंगे। इसे लगाते वक्त ये ध्यान देंगे कि आपका जहाँ से आपने फोटो डालनी है उसके ऊपर ना लग जाए, इसी का अवश्य ध्यान दें। ये हमने चारों तरफ लगा दिया है, चाहे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, सिर्फ एक इस साइड को छोड़ के जहाँ से फोटो डालनी है, बाकी तरफ भी लगा सकते हैं इसे, ताकि ये मजबूत रहे। वैसे चारों तरफ में बहुत मजबूत रहेगा। इसे थोड़ा सूखने देंगे, सूखने के बाद हम इसमें ऊपर कवर लगाएंगे। इतना हमारा फोटो फ्रेम सूख के तैयार होता है। अब तक हम क्या करेंगे, ये हमारे फोटो फ्रेम का साइज़ है, इस साइज़ का हम एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा और काट लेंगे ऐसे लंबा, और उसे इस तरह से एक ट्रायंगल की शेप में फोल्ड कर देंगे, देखिए। और इसे हम इसके पीछे यहाँ से पेस्ट करने के बाद ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसे रेक्टेंगल, इसे हॉरिजॉन्टल रखिए या वर्टिकल रखिए, वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से इसे रखना चाहते हैं। फोटो फ्रेम को इस तरह से इसे पीछे एडजस्ट कर दिया जाएगा। हमारा फोटो फ्रेम सूख के लगभग तैयार हो चुका है चारों तरफ से। अब हम क्या करेंगे कि कोई कलरफुल शीट या कोई जैसी भी आप शीट चाहें, वाइड चाहें, इसके साइज की काट लेंगे, इससे थोड़ी ज़्यादा हो चारों तरफ, ताकि हम इसे फोल्ड कर सकें। और इसे फोल्ड करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान देंगे कि जिस साइड से हमने यहाँ फोटो डालने के लिए इस्तेमाल किया है उसे हम थोड़ा यहाँ अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस एरिया के ऊपर फेविकोल लगाएंगे। यहां फेविकोल लगा के इसे पूरे में फैला देंगे। फेविकोल लगाने के बाद हम इसे पेस्ट करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम इसे उल्टा करके पेस्ट करेंगे ऐसे, और चारों तरफ से इक्वल इक्वल स्पेस छोड़ते हुए इसे एकदम खींच के ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, सीधा करके और अच्छे से, हाथ साफ हों आपके, क्योंकि जो इसका रेड कलर है जो क्लॉथ का वो इसके ऊपर लग सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए लग गया। इसमें फोल्ड ना आए ध्यान से करें। ऐसे ही पीछे की तरफ भी हम फोल्ड करेंगे। हम तीन तरफ फोल्ड करेंगे, यहाँ से दबा के देख लेंगे कि यहाँ से हमें फोटो अंदर डालनी है, इस साइड को छोड़ के तीन तरफ से इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे। अब चौथी तरफ से फोल्ड करने से पहले एक चीज़ का ध्यान देंगे, इसे कैंची से यहाँ से काट लेंगे जहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ये और ये दो कट लगा देंगे, और यहाँ का हिस्सा थोड़ा कम ही रखेंगे ताकि अंदर की तरफ फोल्ड करने में आसानी हो। यहाँ फाइव को लगाने के बाद हम इसे यहाँ अंदर की तरफ यहाँ फोल्ड करेंगे, और इसे फोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, इसे थोड़ा ऊपर की तरफ उठा के हाथ से या किसी स्केल वगैरह से हम इसे अंदर की तरफ पेस्ट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से ये प्रेस हो रहा है, ये देखिए यहाँ से आपको हल्के हल्के प्रेस करने पता लग जाएगा कि कहाँ से उठा हुआ है और कहाँ से बैठा हुआ है। तो किनारे का पता लगाएंगे, यहाँ से किनारे पे एक कट लगा लेंगे, ये पूरा सूखने के बाद करेंगे इसे। वो कट इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आएगा और इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक आए। ऐसे ही इस कॉर्नर का पता लगा लेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे ऐसे, और इसे थोड़ा
आधे इंच के करीब रख लेंगे और बाकी को काट देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर उठा के इसके ऊपर हम थोड़ा फेविकोल लगा लेंगे। चारों तरफ थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा लेंगे। फेविकोल लगने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते वक्त या तो इसे कोई स्केल यूज कर लेंगे इसके लिए ऐसे, किसी स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। इस तरह से हमारा ये फोटो फ्रेम तैयार हो गया। अब इसके पीछे जो हमने ये पीस बनाया था, ये पीस, इस पीस को ऐसे लगा सकते हैं ताकि ये फोटो फ्रेम इस तरह से स्टैंड हो सके। अब देख रहे हैं कि किस तरह से ये ऐसे रखा गया है। चाहे तो इसे इस तरह से भी पेस्ट कर सकते हैं। इसे स्टैंड भी कर सकते हैं और धागा लगा के इसे हैंगिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फोटो फ्रेम बनके तैयार हो गया है। हम इसे थोड़ा यूज करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से फोटो डाली और ये एक्स्ट्रा स्पेस हमने इसलिए लगाया था ताकि फोटो कई बार पूरी होने पर बाहर निकल सकती है, तो एक्स्ट्रा स्पेस होगा थोड़ा थोड़ा फोटो से ज़्यादा, तो ये फोटो बाहर नहीं निकलेगी। देखिए हैंग होने पर कैसा लग रहा है हमारा फोटो फ्रेम। अब हम इसमें चाहें तो फोटो टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, कभी डाल दी कोई फोटो, कभी चेंज करके कोई दूसरी फोटो लगा ली, कभी यही फोटो लगा ली, जैसी आपकी इच्छा हो वैसी फोटो लगा सकते हैं आप। धन्यवाद।